आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको असेंबली मॉडलिंग में प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली बताऊंगा। देखिए, आपको यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट असेंबली ये पूरा कंप्लीट पार्ट दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसके पहले जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको बनाना होगा, फिर बाद में मैं इसको क्या करूँगा, असेंबली करूँगा। तो अभी देखिए, हम सबसे पहले इस वीडियो में सारे पार्ट्स आपको बना के बता देते हैं, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो सारे पार्ट्स को असेंबल करेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहला पार्ट जो हमें अभी ड्रॉ करना है, जिसका नेम है फ्लेंज। आप देखेंगे ये फ्लेंज हमारा यहाँ पे अप्लाइड है, तो अभी हम सबसे पहले फ्लेंज बनाएंगे। तो फ्लेंज में आप देखेंगे 3 व्यूज आपको दिए हुए हैं। एक यहाँ हमें टॉप व्यू दिया हुआ है, ये व्यू हमको सॉरी ये फ्रंट व्यू दिया है, ये टॉप व्यू दिया हुआ है, और ये व्यू जो है हमको साइड व्यू दिया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि आप इस मॉडल को देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो बेस पार्ट है, पहले ये ड्रॉ कर लेंगे, फिर बाद में ये जो आपको सी चैनल जैसा जो शेप दिख रहा है, ये हम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले फाइल में पहले स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल डिज़ाइन, मैकेनिकल में पार्ट डिज़ाइन करेंगे, एंड पार्ट डिज़ाइन को ओके करेंगे। किसी भी एक प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच में जाता हूँ मैं, एक 2 सर्कल्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल के डायस एंड रेडियस जो है वो दे दूंगा, जैसे इसका रेडियस 7 है, इसका रेडियस 3 है, तो मैं इसका रेडियस जो है 7 करूँगा और इसका रेडियस करूँगा डायमीटर 3। अब इसके बाद ये पूरे ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करूँगा, पहले वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, फिर दोनों सारे सर्कल्स के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमको डिफाइंड है, जैसे कि ये डिस्टेंस हमें कितना बोला गया हुआ है 40, तो ये 40 करेंगे। इसके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 40 होगा। अब मेरे को यहाँ पर फ्लेट यूज करना है। देखिए, तो जो फ्लेट है, फ्लेट का रेडियस हमें दिया हुआ है 20। फ्लेट जब आप यहाँ पर लेंगे तो नो ट्रिम टूल लेके ही फ्लेट करिएगा, नो ट्रिम में अप्लाई कर लेता हूँ। इनको रेडियस हम डिफाइन कर देते हैं, रेडियस हमें कितना चाहिए 20, इसको भी रेडियस कितना चाहिए 20 ही चाहिए है। और फिर मैं ये पार्ट को मिरर कर लूँगा, और इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर ट्रिमिंग यूज़ कर लेते हैं, क्विक ट्रिम पिक किया, ये क्विक ट्रिम से एक होल हमें चाहिए। देखिए, आप देख रहे होंगे जो बिगर होल है वो हमें ड्रॉ करना है, डाया उसका है 20, तो मैं एक यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा रेडियस 10 देके, और इसको मैं एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद इसको पैड करना है, पैड कितना करना है, देखिए साइड व्यू में दिया हुआ है कि 3 का पैड होना है, ये 3 पैड होगा। अब नेक्स्ट हमको ये पार्ट को ड्रॉ करना है। देखिए, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, अब इस पार्ट के लिए आपको दिख रहा है कि ये जो व्यू है टॉप व्यू, इस टॉप व्यू में ये पार्ट हमको कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अगर हम इतने पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन हमें यू शेप में ही चाहिए। तो देखिए, इसके लिए एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप पहले ये रेक्टेंगल बेस बना लें, रेक्टेंगल बेस जो कि इस हाइट तक जाएगा, फिर ये पार्ट अलग से जो आपको ड्रॉ करना है, ये जो पार्ट दिख रहा है यू शेप का, ये आप साइड व्यू से बना लें। बट इसके लिए मैं एक आपको ऑप्शन बता रहा हूँ जिसके थ्रू ये और इजीली और जल्दी बनेगा। देखिए, मैं ये प्लेन पिक करूंगा, मेरे को ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, मैं ये वाला व्यू पिक करके ये पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल ही है, तो मैंने ये पूरा प्लेन लिया और प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में गया, ठीक है। और अभी हमें एग्जैक्टली ये शेप पूरा ड्रॉ करेंगे। एक लाइन मैं यहाँ पर पिक करता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर एक वर्टिकल लाइन अगेन, फिर देन ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना बनाने के बाद मैं नेक्स्ट ये पूरे पार्ट को मिरर करूंगा। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया,
एंड देन इस पार्ट को मिरर कर दिया। अब मेरे को इसको क्या करना है, कोइंसिडेंस करना है, ये एज इस एज के साथ क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंस होना चाहिए। अब मैं इसको डायमेंशंस देता हूँ, ये लाइन का लेंथ हमें चाहिए है 4 और ये लेंथ भी, ये जो गैप है ये भी हमें कितना ही दिया हुआ है 4। ठीक है, अब हमें बस ये पता करना है कि ये टोटल हाइट कितनी होगी। तो ये हाइट हम इधर से पता करेंगे, देखिए ये जो ऊपर आपको जो सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 10, मतलब मेरे को जो हाइट है ना वो, ये जो हाफ सर्कल बन रहा है ना, इसका बिल्कुल एंड से एक जो है हाइट चाहिए, जो टोटल एंड होगा उस एंड से हाइट चाहिए। तो ये देखिए ये 10 रेडियस है, तो इस सेंटर से ये जो हाइट होगी 10 होगी, ये हाइट हमको दिया हुआ है 20 कट के पहले जो कट है, और ये जो पोर्शन है ये थिकनेस होगा, ये थिकनेस हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया, देखिए ये थिकनेस तो 4 है। इसके बाद फिर क्या है, ये कट है, ठीक है, तो 4 प्लस 20 प्लस 10, ठीक है। आप एक बार और देखिए, ये जो आपको यहाँ पे थिकनेस दिख रही है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये इस प्लेट की थिकनेस है जो कि हमें दी हुई है टॉप व्यू में 4। ये वाले थिकनेस के बाद जो ये डिस्टेंस है 20 और जो सर्कल है ये यहाँ पे जो सर्कल का ये जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर से आउटर मोस्ट पॉइंट तक वो है 10। तो 10 प्लस 20 कितना होगा 30, 30 प्लस 4 34। तो ये इसका जो लेंथ हम देंगे वो कितना देंगे 34। ठीक है, तो अभी ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, देखिए 70, मतलब ये जो लेंथ होगी ये 35 होगी, हाफ करेंगे क्योंकि हमने मिरर एक्सटेंड करके बनाया हुआ, सॉरी मिरर किया हुआ है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको एग्जिट करें आप, अब इसको पैड करना है। तो देखिए कितना हमें पैड बोला गया, कितना थिकनेस, कितना इसका डेप्थ है, देखिए 20 mm। तो जब आप इसको पैड करेंगे तो मिरर एक्सटेंड करके करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे, इसको आप 10 वैल्यू दीजिए, ये 20 पैड हो गया। अब लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हमें तो ये कर्व चाहिए था, तो कर्व के लिए देखिए अभी हम क्या करेंगे, हमने फ्लिट टूल बनता है हमसे, ये टोटल जो रेडियस है कितने रेडियस का कर्व है 10 रेडियस का, तो आपने क्या करना है 10 रेडियस का कर्व है मतलब ओवरऑल जो ये वैल्यू होगी, ये रेडियस 10 प्लस ये रेडियस 10, ये टोटल कितना है 20 हो रहा है, ये टोटल 20 हो रहा है, और ये भी डेप्थ कितना है 20 है। तो कभी ऐसी कंडीशन में अगर आप होते हैं तो आप यहाँ फ्लिट यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब मैं यहाँ पे एज फ्लिट पिक करूंगा, एज फ्लिट में ये वाला एज सेलेक्ट करूंगा, एक ये वाला एज सेलेक्ट करूंगा, एक ये एज, एंड देन लास्ट में ये वाला एज, और इधर रेडियस में कितना दे दूंगा 10, और जब ओके करूंगा तो देखेंगे ये सिलेंड्रिकल पार्ट ले आता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जब ये एज फ्लिट करेंगे तो ये टोटल, क्योंकि विड्थ भी 20 था इसलिए सिलेंड्रिकल पार्ट ही आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसमें होल करना है, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये सर्कल को इस सर्कल के साथ हम क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर ये वाले सर्कल को हमने यहाँ से वैल्यू दे दिया, वैल्यू कितना है 12 डाया दिया है, मतलब हमें 6 देना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, आपको वैल्यूज में भी प्रॉपरली नहीं दिख रही होंगी, तो देखिए 6 रेडियस का हमने ये सर्कल बनाया। फिर इसके बाद हम इसको करेंगे पॉकेट, और पॉकेट करेंगे अप टू नेक्स्ट तक, अप टू लास्ट तक, सॉरी ये हो गया। अब फाइनली एक होल और हमें बच रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे बीचों बीच एक होल है, होल का डाया है 12। तो इस फेस को सिलेक्ट करके अगेन स्केच में आप जाइए और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का जो रेडियस है वो है 6, 12 का हाफ हम 6 करेंगे, एंड देन इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद इसको हमें करना है पॉकेट, पॉकेट हमने अप टू नेक्स्ट अप टू लास्ट करके कर दिया। तो ये देखिए ये कंपोनेंट हमारा बन गया है, हम इसको सेव करेंगे सेव एज। अभी मैं इसके लिए भी एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, इसका नेम मैं दूंगा प्रोपेलर, ओके, एंड इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर इस पार्ट का नेम क्या था हमारा फ्लेंज। तो देखिए ये पार्ट हमारा बन गया। अब नेक्स्ट हम ये वाले पार्ट पर डिस्कशन करेंगे, इसका नेम है फ्लेंज योक, ठीक है।
तो फ्लेंज योक में देखे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पोर्शन, ये हम रिब से ही ड्रॉ कर सकते हैं रिब टूल के थ्रू, ठीक है। तो अभी तो पहले मेरे को एक न्यू फाइल ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल लूंगा, पार्ट टाइप करूंगा और एक प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में जाऊंगा। अभी मेरे को एक ये पूरा प्रोफाइल ड्रॉ करना है पहले, तो इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ पहले, सर्कल नहीं हम आर्क ले लेते हैं, सेंटर आर्क। तो सेंटर आर्क मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, सेंटर आर्क का जो रेडियस है वो हमें चाहिए है 30। एक लाइन मैं इस पर्टिकुलर एंड से स्टार्ट करके वाले एंड पे बनाऊंगा, एक लाइन इसको चाहूँ तो मिरर कर सकता हूँ। टोटल जो लाइन का लेंथ हमें डिफाइन किया गया है वो किया गया है 20। तो देखिए मैंने ये पूरा पाथ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस पाथ के अलोंग ये आप देखे होंगे एलोंगेटेड शेप का हमें एक सेक्शन रन करना है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट करूँगा। अब इस पाथ के परपेंडिकुलर, ये जो पाथ है इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला प्लेन है, इसके एंड पे तो नहीं है बट आप देखेंगे ये प्लेन को अगर इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो ये 90 डिग्री ही है। देखिए तो इस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए मैं स्केच में जाता हूँ, यहाँ पर मैं एलोंगेटेड होल पिक करके ये ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इस पर्टिकुलर एक्सिस को इस एंड पॉइंट से हम कोइंसाइड करेंगे, सिमेट्री भी अप्लाई कर देते हैं, ये आउटर टू ऑब्जेक्ट फिर बीच का एक्सिस, इनके बीच में हम क्या डिफाइन करेंगे सिमेट्री। फिर ये जो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर चाहिए है वो डिस्टेंस चाहिए है 20, और जो ये रेडियस हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये रेडियस हमें कितना चाहिए है 5। इसके बाद इसको एग्जिट करेंगे आप, और इधर हम यूज करेंगे रिब, पाथ हमारा ये होगा, इसको ओके करा। अब इसमें होल भी होना है तो इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाइए, एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा, सर्कल का जो रेडियस या डायमीटर हमको दिया है वो 16 डायमीटर है, मतलब 8 रेडियस। एंड जो पोजीशन है उसकी पोजीशन हमको डिफाइन नहीं है, तो पोजीशन देखें, पोजीशन के लिए अभी हम क्या करेंगे इस सेंटर पॉइंट का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस देंगे, देखिए टोटल ये 20 था तो मैं इसको डिस्टेंस कितना दे दूंगा 10 दे दूंगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे आप इसको रखिए और इसके बाद इसको आप एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे पॉकेट करेंगे अप टू लास्ट। अब नेक्स्ट हमें ये जो पार्ट है बॉटम पोर्शन का, ये पार्ट हमें ड्रॉ करना है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो बॉटम पोर्शन वाला जो पार्ट है वो इस पर्टिकुलर एंड से कितने डिस्टेंस नीचे है 16। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट लगनी है, ठीक है। तो अभी देखिए मेरे को इसको इस पर्टिकुलर फेस से 16, या हम बोल सकते हैं ये जो हमने पाथ यहाँ पे बनाया था उससे 16 डिस्टेंस नीचे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, देखिए ये सर्कल का टोटल जो रेडियस था ये कितना था, ये 30 था, ये 16 है। तो इस सेंटर एक्सिस से अगर मैं बात करूँ तो सेंटर एक्सिस से ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये 30 + 16 होगा। तो मैं इधर पे प्लेन पिक करूंगा रिवर्स डायरेक्शन पे 46 पे, फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करके वापस से स्केच में जाऊंगा, नॉर्मल व्यू करूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा एक सर्कल बना दूंगा। सर्कल का रेडियस जो हमें दिया हुआ है 20 ही दिया है, ठीक है। तो इसको रेडियस हम क्या दे देंगे 10, एंड इसको करेंगे हम एग्जिट, ठीक है। और इसके बाद आप इसको करेंगे पैड अप टू नेक्स्ट, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करके अगेन स्केच में जाना है और ये फेस पे सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। सर्कल का जो डायमीटर दिया है वो 50 दिया है, मतलब 25 रेडियस। और इसको एग्जिट करते हुए इसको हम कितना थिकनेस दे देंगे 5। और इस पार्ट को भी मैं सेव करूंगा, सेव एज फ्लेंज योक। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें चाहिए है
वो ये दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट का नेम है यूनिवर्सल जॉइंट और एक पार्ट का नेम है प्रोपेलर शाफ्ट। तो इसको हम ड्रॉ करने के लिए एक न्यू फाइल ओपन करेंगे अगेन। ये प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में जाते हैं। तो अब देखिए प्रोपेलर शाफ्ट में हमको ये दिख रहा है कि सिंपल एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सर्कल का जो डेप्थ भी हमें दिया हुआ है कितना है 50 है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। सर्कल का डाया या रेडियस जो हमें डिफाइंड है वो 16 है। आउटर सर्कल का डाया 16 मतलब रेडियस 8। और इसको मैं एग्जिट करूंगा और एग्जिट करने के बाद इसको पैड करूंगा बोथ साइड हाफ हाफ, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमें इसको ये यूनिवर्सल जॉइंट होता है, हमें 4 डायरेक्शंस पे इसको ड्रॉ करना है। तो मैं हाफ बनाऊंगा, हाफ इस साइड जाएगा या हाफ वाले साइड जाएगा। तो इसको मिरर एक्सटेंड करूंगा, 50 का हाफ कितना होगा 25। फिर नेक्स्ट मैं ये प्लेन ये वाला प्लेन पिक करूंगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला, एंड देन इसको स्केच में जाऊंगा और वापस से सेम सर्कल सेम रेडियस का बना लूंगा। सेम रेडियस मतलब कितना 8 का। और फिर इसको भी मैं एग्जिट करके पैड करूंगा। जब इसको पैड करूंगा तो इसे भी मैं मिरर एक्सटेंड करके 25 का ही पैड करूंगा। ये देखिए आ गया। अब मेरे को ये जो अपोजिट फेस है इसमें फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है 12 डाया का, जो कि टैंक के डेप्थ में रन होगा। तो मैंने अगेन स्केच में गया, मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया। ये सर्कल का जो मेरे को रेडियस है वो है 12 का हाफ 6। इसको एग्जिट करेंगे और इसको हम करेंगे पैड। इसको पैड कितना करना है 10। तो इसको हमने 10 डिस्टेंस पैड कर दिया। यही पार्ट सामने भी चाहिए है तो दोबारा बनाने की बजाय मैं यहाँ पर मिरर यूज करूँगा। ये हो गया मिरर, ठीक है। आप चाहें तो मिरर के बजाय इसमें आप सर्कुलर पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। सर्कुलर पैटर्न मतलब मेरे को सर्कुलरली चाहिए, कितने चाहिए 4 चाहिए। रेफरेंस एलिमेंट में ये फेस ये प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा कि इस प्लेन के अलोंग हमें चाहिए, ठीक है। एक एक्सिस हमें डिफाइन करनी होगी, बट यहाँ पर एक्सिस की जरूरत वैसे नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंप्लीट क्राउन करूँगा और कितने क्वांटिटी चाहिए मेरे को टोटल 4। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हो चुके हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ईजी हुआ। आप इसको भी सेव करेंगे सेव एज यूनिवर्सल जॉइंट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यूजे, ठीक है। अब लास्ट में मेरे को बनाना है प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। तो देखिए प्रोपेलर शाफ्ट में हम शाफ्ट यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो पैड के थ्रू भी बना सकते हैं, बट हम अगर क्या करें इसका ये पूरा हाफ प्रोफाइल बना लें और एक एक्सिस के अबाउट इसको शाफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा। तो मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, इस न्यू फाइल का नेम अगेन पार्ट दूंगा, पार्ट टाइप करूंगा, एक प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच में जाएंगे और मैं ये फटाफट बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले जो डायामीटर है होल का वो दिया है 40, ठीक है। देखिए आप इसको मैं जूम करता हूँ, ये डायामीटर कितना दिया है 40। तो मैं 40 मतलब रेडियस 20 तक जाऊंगा, 100 के आसपास आएंगे। फिर नीचे की तरफ एक डेप्थ लेके चलूंगा, तो थोड़ा सा आगे 60 तक जाना है, 160 तक जाता हूं मैं। फिर ये लाइन गया, फिर टोटल जो लाइन है वो 600 है, मतलब ये हो जाएगा 600 + 100 = 700, 760 तक हमको जाना है। तो इसको मैं 760 तक लेकर जाता हूँ, ठीक है, काफ़ी है। इसके बाद इस लाइन को इधर कनेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसको डायमेंशंस दे देता हूँ, तो ये लेंथ हमें जो है ये हमें 40 का हाफ 20 चाहिए है, ये जो वैल्यू है ये 20 का हाफ 10 होगा, ये लेंथ 100 होगा और ये लेंथ होगा 60 और फाइनली ये जो लेंथ है ये होगी 600।
तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, इसको हम एग्जिट करेंगे और इसको करेंगे शाफ्ट एक्सेस हॉरिजेंटल एंड इसको ओके कर देना है। तो देखिए ये हमने प्रोपेलर शाफ्ट भी बना लिया है और इसको भी हम क्या करेंगे सेव एज कर लेंगे। इसको मैं दे देता हूँ प्रोपेलर शाफ्ट। तो देखिए ये हमने सारे पार्ट्स बना लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे पार्ट्स को आपको असेंबली करके बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।